हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 29th जैन शिफ्ट 2 का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉयल, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉयल ऑफ फोर टर्न्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन का मतलब फील्ड से हो गया। यहाँ पर 32 टेस्ला एट इट्स सेंटर द कॉयल इज अनउंड एंड रीउंड इन टू अ सर्कुलर कॉयल ऑफ सिंगल टर्न। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉयल बाय द सेम करेंट विल बी। देखिए यहां पर हम लोग के पास एक वायर है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया यहां पे, उस वायर से फोर टर्न्स का एक लूप बना दिया, सर्कुलर लूप। अब यहाँ टर्न्स कितना है, फोर है। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, तो हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए उसके सेंटर पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, है ना, जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा। ओके, तो करंट अपॉन 2 R, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो मैं यहाँ पर बात करूँ अगर, तो नंबर ऑफ टर्न्स है 4, तो लिखेंगे म्यू नॉट इंटू 4 I डिवाइडेड बाई 2 R। ओके, अब बोला गया कि इसी वायर को आप खोल दीजिए, है ना, ये जो 4 टर्न्स का वायर है ना, इसको आप एक सिंगल ऐसे वायर बना दीजिए, ठीक है, और इस वायर से अब आप एक सिंगल टर्न का वायर बनाइए। तो सिंगल टर्न का वायर बनाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस अब अलग हो जाएगा, है ना। जैसे आप एक 1 मीटर का वायर ले लीजिए, ठीक है, और वायर के दोनों एंड को जोड़ दीजिए, तो एक एक लूप बनेगा। बट उसी को आप अगर, है ना, बार बार अपने फिंगर में रैप करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ जाएगा बट उसका रेडियस छोटा हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या हुआ कि अभी छोटे रेडियस का लूप था तो 4 टर्न्स था, अब अगर बड़े लूप का रेडियस बनाएंगे हम लोग, बड़े लूप का बनाएंगे तो टर्न्स तो कम हो गया, तो यहाँ पर टर्न्स कितना बोला गया कि 1 टर्न, ओनली 1 टर्न है, इसका मतलब कि रेडियस बड़ा होगा, ठीक है। तो रेडियस को हम R' मान लेते हैं, ठीक, समझ में आया। मतलब इस पूरे वायर की जो लेंथ है ना, 4 टर्न्स इंक्लूड करके, वो इसके 1 टर्न के लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ होगा 2 पाई R, बट एक सिंगल टर्न का हुआ ना, बट टोटल टर्न कितने हैं, 4, ठीक है। और वही सेम लेंथ यहां पर भी यूज हो रहा है, ठीक है, बट यहां पर टर्न एक ही है बट लेंथ वही है वायर की, उसी वायर से बनाया गया, तो इसका मतलब दोनों के लेंथ को हमें इक्वल करके रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 2 पाई R इंटू 4 इज इक्वल टू 2 पाई R डैश, क्योंकि रेडियस डिफरेंट तो होगा, ये तो क्लियर है। तो R' इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 R, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर करंट सेम है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेंटर पे इसके, है ना, न्यू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अब टर्न कम हो गया, तो टर्न कम हो गया तो आप 1 टर्न रखें इंटू करेंट डिवाइडेड बाई 2 पाई। अच्छा एक मिनट, ये जो है हाँ, ये 2 R, क्योंकि सर्कुलर लूप है ना, तो 2 R लगेगा, तो 2 R डैश, क्योंकि अभी रेडियस कितना है, R' है। अब R' हम लोग जानते हैं कितना है, तो R' कितना है, तो R' है 4 R, तो आप उसको यहां रख दीजिए, R' की जगह पे 4 R रख दीजिए इंटू में 2, तो क्या आएगा, म्यू नॉट I बाई 8 R, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 2 का रेशियो लीजिए, तो अगर आप, सॉरी, 1 और 3 का, तो 1 और 3 का रेशियो लेते हैं आप, तो आप लिखेंगे बी अपॉन बी डैश, तो बी कितना है, म्यू नॉट इंटू 4 I, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स 4 था वहां पर स्टार्टिंग में, अपॉन 2 R, ठीक है, अपॉन म्यू नॉट इंटू I अपॉन 8 R। अब यहां से क्या क्या कैंसिल होगा देख लीजिए, यहां से देखिए म्यू नॉट बाई R I ना, I भी कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इवन ये भी कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब ये कोई 8 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पहले से है और 8 भी आ गया, डेनोमिनेटर में 1 बचेगा क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोगों को बी अपॉन बी डैश क्या मालूम हो जाएगा, 16, ठीक है, तो बी कितना है, 32 अपॉन बी डैश, तो 16 बाई 1, ये 2 से कैंसिल, देन बी डैश इज इक्वल टू 2 टेस्ला, ठीक है। तो जो अब जो सिंगल टर्न का यहाँ पर
लूप बना है उसके सेंटर पे सेम करंट की वजह से कितना फील आया, 2 टेस्ला। तो इसका आंसर होगा 2 टेस्ला, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।